नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा आपका स्वागत करती हूँ पब्लिक एशिया के स्पोर्ट्स बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। दुनिया के फलक पर चमकेंगे उत्तराखंड के तीन खिलाड़ी, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होंगे इवेंट। पेरिस ओलंपिक 2024 प्रदेश से एथलेटिक्स के अंतर्गत पैदल चाल मिक्स्ड मैराथन में सूरज पवार और 20 किलोमीटर पैदल चाल में परमजीत बिष्ट ने क्वालिफाई किया है, जबकि बैडमिंटन में अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन पदक की दौड़ में शामिल होंगे। लक्ष्य राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कई पदक जीत चुके हैं, इसके लिए उन्हें वर्ष 2022 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। दूसरे खेल की खबर की ओर रुख करते हुए बता दें कि चेपॉक में गेंदबाजों या बल्लेबाजों किसका होगा राज। जी हाँ, भारत दौरे पर आई साउथ अफ्रीका महिला टीम के लिए अभी तक कुछ अच्छा नहीं घटा है। पहले वनडे सीरीज में उसे क्लीन स्वीप छेलनी पड़ी, उसके बाद एकमात्र टेस्ट मैच में भी उसे शिकस्त मिली। अब T20 सीरीज में वह वापसी करना चाहेगी। सीरीज का पहला मैच चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। यहाँ की पिच गेंदबाजों की मददगार साबित हुई है। रुक करते हैं खेल की अगली पगड़ी खबर की ओर, जहां विश्व चैंपियन टीम ने गाया वंदे मातरम गाना, फैंस ने भी मिलाए सुर में सुर। पूरे देश ने भारतीय क्रिकेट टीम का बारबाडोस से ऐतिहासिक T20 वर्ल्ड कप 2024 जीत के बाद लौटने पर पूरे जोश के साथ स्वागत किया। गुरुवार 5 जुलाई को पूरे देश में जश्न का माहौल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भारतीय टीम के लिए विशेष नाश्ते की मेजबानी की। इसके बाद शाम को विजय परेड निकाली गई। विश्व चैंपियन को वानखेड़े स्टेडियम में 33,000 लोगों की मौजूदगी में सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपनी ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। इस कार्यक्रम के दौरान रोहित शर्मा की टीम ने AR रहमान का देशभक्ति गीत वंदे मातरम गाते हुए प्रशंसकों के लिए विजय लैब भी लगाया। स्पोर्ट्स बुलेटिन की अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, नीरज चोपड़ा, PV सिंधु, मनु भास्कर ओलंपिक खेलने जा रहे हैं। खिलाड़ियों से PM मोदी ने की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में आरंभ हो पेरिस ओलंपिक में खिलाड़ियों की उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद जताते हुए भारतीय दल को शुभकामनाएं दी और देशवासियों से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का आग्रह किया। वहीं PM मोदी के X अकाउंट से एक वीडियो भी शेयर किया गया। PM मोदी ने इस दौरान सभी खिलाड़ियों से उनके अनुभव जाने। इस दौरान कई खिलाड़ी ऑनलाइन भी जुड़े, इनमें नीरज चोपड़ा के अलावा PV सिंधु, निकस जरीन जैसी थाकर प्लेयर्स भी रहीं। वहीं मनु भाकर से भी PM मोदी ने उनकी तैयारियों का अनुभव जाना। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां विम्बलडन 2024 फोगनिनी ने रूट को हराकर बाहर किया। अल्कारेस तीसरे दौर में पहुंचे, ओसाका हारकर बाहर। विम्बलडन 2024 के दूसरे राउंड में इटली के फैबियो फोगनिनी ने नॉर्वे के कैस्पर रूट को हराकर बाहर कर दिया। डिफेंडिंग चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्कारेज भी तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं। नाओमी ओसाका को बुधवार को अमेरिका की एम्मा नवारो ने दूसरे दौर में हराकर बाहर कर दिया। 2018 के बाद से अपना पहला विम्बलडन खेल रही ओसाका को सेंटर कोर्ट पर 1 घंटे से भी कम समय में 6-4, 6-1 से हार का सामना करना पड़ा। पब्लिक एशिया के स्पोर्ट्स बुलेटिन को देखने के लिए और लगातार देश विदेश के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें।